हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग क्लासेस। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ पॉलीगन कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं आप पाइथन के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए पहले हम इंपोर्ट टर्टल करेंगे। तो ये टर्टल लाइब्रेरी से टर्टल इंपोर्ट करेगा। फिर हमें टर्टल को डिफाइन कर देना है टी इज इक्वल टू टर्टल डॉट टर्टल। ये हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब हम पेन साइज है वो अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, टी डॉट पेन साइज अगर आप करना चाहते हैं तो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम पेन साइज 3 रख देते हैं, और पेन का कलर है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं, टी डॉट पेन सी ओ एल ओ आर कलर, इसको हम कर देते हैं रेड। पेन कलर हमारा रेड आ गया। और नंबर ऑफ साइड्स हमारी है, और नंबर अंडरस्कोर साइड, नंबर ऑफ साइड्स जो हम ले रहे हैं वो आ रही है हमारी 6 लेते हैं, हम हेक्सागन बनाते हैं। और साइड लेंथ जो है एक साइड की वो क्या कर देते हैं, उसको 80 रख देते हैं, इक्वल टू 80। अब एंगल जो रहेगा हर साइड का वो आपको पता है कि कोई भी सर्कुलर कोई भी डायग्राम बनेगा उसका एंगल होता है 360 का। तो जितनी साइड होगी उस हिसाब से जो है एंगल है वो डिवीजन में हो जाएगा। तो हमने इसको कर दिया है 360 जीरो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अब हम इंटीजर वैल्यू है वो डिसाइड कर डाल देते हैं यहाँ पे, फॉर आई इन रेंज, यानी जो सर्कल इसको देखना है टर्टल को वो ये रेंज देखेगा कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, उसके हिसाब से हमारा जो है पॉलीगन ड्रॉ करेगा। और फिर मैं इसको बोलता हूँ टी डॉट फॉरवर्ड और साइड अंडरस्कोर लेंथ, यानी जितनी मेरी लेंथ यहाँ पे डाली होगी उतना ये मूव करेगा। एंड फिर ये क्या करेगा, टर्न करेगा राइट की तरफ, और कितना टर्न करेगा, जो हमारा एंगल है वहां तक ये राइट करेगा। तो ये हमारा जितना एंगल है वहां तक राइट टर्न करेगा। तो ये हमने एंगल डाल दिया टी डॉट राइट एंगल जितना है वो यहाँ पे। और ये सब होने के बाद हम बोलते हैं कि भाई टर्टल अगर ये सब कर देगा तो हमारा क्या है, टर्टल को फिनिश कर देना है। तो हम कर देते हैं टर्टल डॉट डन। ये होने के बाद टर्टल को फिनिश कर देना है। तो ये हमारा पॉलीगन का प्रोग्राम है वो हमने लिख दिया है। अब इसको हम रन करते हैं और देखते हैं पॉलीगन कैसा बनाता है। ये कर दीजिए और इसको करते हैं रन। तो जैसे ही इसको रन करते हैं हमारा पॉलीगन है वो बनना स्टार्ट हो गया है, और आप देख सकते हैं हमारा पॉलीगन है वो बनकर तैयार हो गया है। हेक्सागन हमने बनाया था और हेक्सागन हमारा बन के तैयार हो गया। अगर हेक्सागन की आप जो है लेंथ ये बड़ा रखना चाहते हैं साइड, तो यहाँ पे साइड लेंथ है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब हम हेक्सागन की जगह इसको ऑक्टागन बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ साइड को मैं बढ़ा करके 8 कर देता हूं। अब हम रन करते हैं मॉड्यूल को, बाकी सारी चीजें जैसी है वही रखनी है, सिर्फ ये चेंज कर देना है हमें। तो अब आप देखिए ये हमारा ऑक्टागन है वो बन गया है। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से जो रखना चाहते हैं वो इसको बना सकते हैं। यहाँ पे आप 12 साइड का बनाना चाहते हैं 12 साइड का बना लीजिए। तो सिर्फ आपको नंबर ऑफ साइड्स है वो चेंज करना है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, हमारा 12 साइड का जो पॉलीगन है वो बन के तैयार है, आप देख लीजिए इसको। तो ये हमारा 12 साइड का पॉलीगन बन के तैयार है। तो इस हिसाब से आप जैसा बनाना चाहें पॉलीगन बना सकते हैं। 18 साइड का बनाना चाहते हैं 18 साइड का बना लीजिए। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, नहीं तो सर्कल हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। साइड लेंथ हमने कर दिया 60। अब सेव करके हम रन करते हैं प्रोग्राम को, और आप देखिए हमारा जो पॉलीगन है वो बनना शुरू हो गया है। मोर और लेस ये अब सर्कुलर बनना शुरू हो गया है, सर्कल ज्यादा दिख रहा है, ये पॉलीगन कम दिख रहा है। तो अब आप देख सकते हैं
इसमें आप जितनी साइड ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उतना ये पॉलीगन है हमारा सर्कल बनता जाएगा। इसको आप 90 कर दीजिए और इसको कर दीजिए 10। अब देखिए ये लगभग सर्कल हमारा बन जाएगा क्योंकि हम 19 इसमें रख रहे हैं। तो आप देखिए ये हमारा सर्कल बन गया है। यहाँ पे एंगल्स है लेकिन वो हमें दिख नहीं रहे हैं। अब अगर मैं इसको 120 कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ 3, तो अब देखिए अब बिल्कुल सर्कल बन के हमारा आएगा बाहर। ये देखिए ये हमारा सर्कल बन के बाहर आ रहा है। ये पॉलीगन जितने हम साइड्स बढ़ाते जाएंगे उतना एंगल छोटा होता जाएगा और धीरे धीरे ये सर्कल बन जाता है। तो इस हिसाब से इस प्रोग्राम से आप जैसा चाहे वैसा पॉलीगन बना सकते हैं।